खबर तो यह है कि बीजेपी के पास कैडरों की फौज है, कांग्रेस के पास क्या डर कम है। घर घर जाने में लंबा समय लग सकता है, हर घर को टच करना शायद ही संभव हो पाए। नारी सम्मान योजना की कामयाबी में बड़ी चुनौती यही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुपोषण के आंकड़े में कमी आ रही है। पोषण अभियान से कई जिलों में बच्चे पोषित हो रहे हैं। राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79% की गिरावट आई है। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में घट रहा कुपोषण, बच्चों की सेहत पर कम हुई टेंशन, जो कुपोषण बच्चों के लिए काल बन रहा था उससे अब छुटकारा मिलता जा रहा है। सुकून देने वाली बात यह है कि कुपोषितों की संख्या में 13.79% की गिरावट आई है। 2019 में करीब 9.70 लाख बच्चे कुपोषित थे, इनमें से 2,65,000 बच्चे सुपोषित हुए हैं। इसके साथ ही 1.5 लाख महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया है, यानी प्रदेश में सुपोषण अभियान का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह काम होता रहा तो जल्द ही प्रदेश से कुपोषण का कलंक मिट सकता है। हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है, जिस पर इसी रफ्तार से काम करना होगा, तभी कुपोषण की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुँच सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या कुपोषण की है। प्रतिवर्ष नक्सली घटनाओं में जितने लोग नहीं मारे जाते उसके 10 गुना अधिक लोग हमारे कुपोषण से मरते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण से लड़ाई को बड़ी ही गंभीरता से लिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया, जिसका फायदा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में कुपोषण दर में ऐतिहासिक कमी आई। राष्ट्रीय स्तर पर जो कुपोषण है उसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर में बड़ी मात्रा में कमी आई और इसका फायदा मिला। आज सुपोषण के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी सुपोषित भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। एनीमिया के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर चल रहा है। 25,000 नवजात बच्चों की मृत्यु भी कहीं ना कहीं कुपोषण से संबंधित विषयों को लेकर के कांग्रेस के शासन में हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ जो भुखमरी के हालात से गुजर रहा था, जो बीमारियां और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जो 20 साल पहले होता था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक कर दिया था, आज कांग्रेस की सरकार में जनता फिर से वही भुगत रही है। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में कुपोषण अब भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुकमा में सबसे ज्यादा 34.73% कुपोषण दर है। सबसे कम मुंगेली में 10.04% है। अब सवाल है कि आखिर नक्सल प्रभावित इलाकों में वैसी कमी क्यों नहीं आ रही है, तो बताया जा रहा है कि जागरूकता का अभाव है। जंगली इलाकों में रेगुलर दौरे कम हो पाते हैं, कुछ इलाकों में नक्सलियों का भी खौफ है, इसीलिए पोषण कैंपेन की टीम अंदरूनी इलाकों में नहीं जा पाती है। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषित थे, तो वहीं 15 से 49 साल की महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। कुपोषित बच्चों में से ज्यादातर आदिवासी इलाकों के थे। अब सवाल है कि आखिर पोषण कैंपेन में क्या होता है, तो गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है, एनीमिया पीड़ितों की पहचान होती है, इसके बाद उनके पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है, रेगुलर बच्चों का वजन चेक किया जाता है। दरअसल प्रदेश में कुपोषण से जंग में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते थे, लेकिन उसका असर नहीं दिख पाता था, मगर भूपेश सरकार ने इसकी मॉनिटरिंग की, जिसका फायदा भी दिखा और नतीजे भी सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से बड़ी समस्या कुपोषण है। यही कारण था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के माध्यम से भजन त्यौहार चलाया गया और भजन त्यौहार के माध्यम से बच्चों को सुपोषित करने की योजनाएँ चलाई गईं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस भजन त्यौहार के आंकड़ों की अगर बात माने तो प्रदेश में करीब 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे और साल 2020 तक इन आंकड़ों में भारी कमी दर्ज की गई। बताया गया है कि करीब 68,000 बच्चे 2020 तक सुपोषित हो चुके थे। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुपोषण में करीब 13.80% की कमी दर्ज की गई। इस योजना पर छत्तीसगढ़ की सरकार खूब पीठ थपथपा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश सरकार की इस योजना का बड़ा लाभ कुपोषित बच्चों को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो यह है कि एक साल में 1 से 2% की कमी संतोषजनक मानी जाती है। 5 साल में कुपोषण में करीब 13.79% की कमी आई है। ये कमी WHO के मानक से कई गुना बेहतर है।